ये महिंद्रा 475 गियरबॉक्स रिपेयरिंग भाग टू है, पार्ट टू। ये इसका काउंटर का बायरिंग है, NUP 208 करके ऐसे करके आता है बायरिंग। ये बायरिंग किस टाइप से फिक्स किया जाता है इसको हम दिखाते हैं। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस टाइप से बैरिंग को प्रेस करेंगे, ये बैरिंग अपनी जगह पर आसानी से चला जाएगा। ये चला गया है और इस टाइप से ये लगेगा। ये तीन भाग मिलके एक बैरिंग बनता है। इसके बाद आप यहाँ पे लॉक लगा देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इससे इस टाइप से ही बैरिंग लगता है हाउसिंग में। कॉन को पहले ही डाल दिए हैं और इसके बाद ये बूस लगता है। ये बूस को मैंने डाल दिया है। इसके बाद अब इसका कपलिंग डालेंगे, जो भी कट है ऊपर की तरफ रहेगा। ये इस टाइप से लगेगा, इसको फिर फिक्स करेंगे, इसमें लगाएंगे। पिनियन को उठाकर पहले खड़ा करते हैं। इसके बाद इसको चेक करते हैं, इस टाइप से लगेगा। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसको भी मैंने डाल दिया, इसको पिनियन को भी मैंने डाल दिया। अभी इसको हाउसिंग में ले जाके फिक्स करते हैं। इसके बाद बैक साइड से वो NUP 208 का बायरिंग फिक्स करेंगे, आगे से 62/10 का बायरिंग फिक्स करेंगे। वह एक मोटा वाशर लगता है, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को कैसे फिक्स करेंगे सब में। इसको मैंने अंदर में डाल दिया, अभी बिल्कुल फ्री है ये शाफ्ट। उधर भी फ्री है, इधर भी फ्री, दोनों साइड में कहीं बायरिंग नहीं लगा हुआ है। इस साइड पहले आगे से लगाते हैं बायरिंग। ये इसका बायरिंग है और वाशर है मोटा वाला। पहले ये मोटा वाला वाशर डालेंगे, ये इस टाइप से वाशर डलेगा। तो अंदर साइड से पिनियन को उठाना पड़ेगा। अभी चलवा उठा रहा है, बस ये वाशर लग चुका है। अब इसका बायरिंग डालेंगे। वाशर 10N का बायरिंग है। ये N मतलब ऊपर से जो लॉक लगा हुआ बायरिंग पे, जिससे बायरिंग हाउसिंग के अंदर ना जाए, बायरिंग अटक जाए हाउसिंग पे। बायरिंग को तो मैंने हाउसिंग में लगा दिया है, शाफ्ट में फिक्स नहीं हुआ है। इसको शाफ्ट को उठा के सेंटर में करके इसको मैंने फिक्स कर दिया है। ये बायरिंग फिक्स हो चुका है, वो साइड भी मैंने बायरिंग को फिक्स करके लॉक लगा दिया है। इसका भी एक प्लेट लगता है, लॉक लगता है, इसको भी हम फिक्स करते हैं। और इसको लॉक को 13 नंबर नट पे जो लॉक दिया हुआ है, इसको भी लॉक कर देंगे मोड़ के। ये भी फिक्स होगा। इसके बाद इसका प्लेट भी लगा दिए हैं हम, सिलिकॉन ट्यूब लगा के। 414 नंबर का बोल्ट लगता है, उसको फिक्स कर दिए हैं। इसके बाद रहा ये पिनियन को फिक्स करना। ये रिवर्स 1 नंबर का पिनियन है, इसको लगा देते हैं पहले। इसके बाद एक लॉक लगता है, ये तेल शाफ्ट में इस टाइप से फिट किया जाता है पिनियन।
इसके बाद एक मोटा स्पेसर वाशर लगता है इसको, इस टाइप से ये लगता है। इसके बाद दो नंबर का पिनियन लगेगा, पिनियन से पहले ये बूस डाल देते हैं, पिनियन सेंटर या पिनियन बूस, तो इसी में फ्री रहता है। ये दो नंबर का पिनियन डाल दिए हैं। अब इसका जो स्लाइडर होता है कपलिंग स्लाइडर, वो भी डाल देते हैं। स्लाइडर को मैंने डाल दिया, अब कपलिंग डालेंगे इसका। ये दो तीन नंबर का कपलिंग मैंने डाल दिया। अब इसके बाद एक और बूस्ट लगाना है। अब ये तीन नंबर पिनियन है, इस टाइप से ये लगेगा, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया है। अब एक स्पेसर वाशर लगेगा, ये वाशर को भी मैंने डाल दिया है। वाशर के बाद फोर्थ स्पीड का ये पिनियन है, इसको इस प्रकार से प्रेस करने के बाद ठोक देंगे। ये फोर्थ स्पीड का पिनियन को मैंने प्रेस करके लगा दिया है। अब इसके बाद लगेगा ये डबल सप्लायर पिनियन, इसमें नीडल बैरिंग लगता है। ये दोनों नीडल बैरिंग को हम पहले फिक्स करके लगा देते हैं। मैंने लगा दिया, इस टाइप से लगेगा। इसके बाद फिर एक वाइसर लगेगा इस टाइप से, फिर इसके बाद लॉक लगेगा। लॉक को लगा देते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये पिनियन लगेगा, ये स्टेप्स लगेगा पिनियन। इसके बाद एक कपलिंग लगेगा, ये क्लच शाफ्ट पे डायरेक्ट चलता है कपलिंग। ये कपलिंग भी मैंने लगा दिया है। अब इसको गियर बॉक्स के होजिंग में फिट करते हैं। इसमें दो सिम पत्ती डाल देंगे तेल क्रोन में, पहले से भी दो लगा हुआ था। ये सिम पत्ती है तेल क्रोन का, फिर ये होजिंग में डालेंगे। यहाँ पे तीन बोल्ट लगता है 19 नंबर का, जो इस पे टाइट रहता है, और आगे से क्लच शाफ्ट लगा रहता है। इसको मैंने डाल के फुल टाइट मार दिया है। अब इसका क्लच शाफ्ट को हम लगाएंगे। क्लच शाफ्ट में एक नीडल बैरिंग लगता है, उसको टाइट कर दिया मैंने। ये इसका क्लच शाफ्ट है और ये इसका नीडल है। सिलिकॉन ट्यूब लगाने के बाद इसमें 14 चार गो बोल्ट लगता है 14 नंबर का, और पिनियन में एक बार कट रहता है नीचे में, उसको घुमा के अंदर प्रेस करेंगे तो तुरंत फिक्स हो जाएगा। इसको मैंने फिक्स करके चार बोल्ट को मैंने टाइट कर दिया है। अभी इसका ये वाला प्लेट लगाएंगे, पैकिंग लगा के सिलिकॉन ट्यूब लगा के प्लेट को फिक्स करेंगे। ये मैंने पैकिंग को फिक्स कर दिया है, सिलिकॉन ट्यूब भी हल्का सा लगा दिया है। अब इसका गियर टॉप कवर का सेकेंड ढक्कन को लगाएंगे। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गियर बॉक्स का फुल फिटिंग वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ये प्लेट लगा के मैंने टाइट कर दिया है।
अब इसका गियर टॉप कवर को फिक्स करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें फ्रॉक कंप्लीट है पहले से, ये मैंने लगा दिया स्प्रिंग स्प्रिंग लीवर ओवर सब कुछ लगा के टाइट कर दिया है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब जोड़ देंगे, हाइड्रोलिक टॉप कवर चढ़ाएंगे, फिक्स हो।